हेलो फ्रेंड्स, यदि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हमेशा एक टेंशन बनी रहती है दिमाग के अंदर कि मुझे प्रेगनेंसी ना हो जाए। तो ऐसा आप क्या करें कि आपको प्रेगनेंसी ना हो? तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको यही टिप्स देने जा रही हूँ कि सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद भी प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड किया जाए या प्रेगनेंसी से कैसे बचा जाए। तो ये जो मेथड होता है कि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं बट प्रेगनेंसी आप नहीं चाहते, अपने रिलेशन को भी मेंटेन करना चाहते हैं, अपने करियर को भी मेंटेन करना चाहते हैं बट अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रासेप्शन। यदि जब भी आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब कॉन्ट्रासेप्शन में इट इज अ फुल ऑफ बास्केट, यानी कि बहुत सारे मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के। उसमें आपको क्या सूट करता है वो आपको चूज करना पड़ेगा, आपको पिक करना पड़ेगा। तो जो सबसे कॉमन साधन है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला साधन है कि गोलियां, जिनको कि हम बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दूसरा साधन है कॉपर टी, इंट्रायूटराइन डिवाइस। तीसरा साधन आता है इंजेक्शंस। चौथा साधन आता है कि इम्प्लांट्स। और पांचवा साधन है सर्जरी। तो वन बाय वन हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहला है गोलियां। तो गोलियां जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, ओसी पिल्स भी बोलते हैं इनको, जो 21 दिन के गोलियां भी आती हैं। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ होती हैं कि ये हार्मोन्स की गोलियां होती हैं। इनका एक पूरा 21 दिन का पैक आता है। पहले दिन आपको चालू करना होता है और 21 दिन तक लगातार लेना होता है। यदि आप इसको लगातार फॉलो करती हैं तो आपका कॉन्ट्रासेप्शन काफ़ी इफेक्टिव होता है और 95-96% तक आपको प्रेगनेंसी से बचाव हो जाता है। लेकिन यदि बीच में आप गोली भूल जाते हैं, गोली मिस कर जाते हैं, तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन ख़त्म हो जाता है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि दूसरी गोली आप 12 घंटे से पहले ले लेते हैं तो आप उस पैकेट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आप 12 घंटे से या 24 घंटे से ज़्यादा का गैप हो गया है तो आपको दो गोली एक साथ लेनी पड़ेगी। और 24 से 48 घंटे का गैप होने के बाद में डेफिनेटली आपको साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा और आपको दूसरा कोई कॉन्ट्रासेप्शन का मैथड यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा साधन आता है अपना इंजेक्शंस। हर 3 महीने में इंजेक्शन अगर आप लगवाती रहती हैं तो आपको प्रेगनेंसी होने की संभावनाएँ ना के बराबर हो जाती हैं। तीसरा साधन होता है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स का मतलब होता है कि प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स होते हैं, जिनको कि आप सबक्यूटेनियसली यानी चमड़ी के नीचे उनको इंसर्ट कर दिया जाता है और वो 2 से 3 साल के लिए इफेक्टिव होते हैं। ये अभी ट्रायल फेज में है और अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं, बट जल्दी ही इंडिया में भी अवेलेबल होंगे। चौथा साधन है इंट्रायूटराइन IUCD, यानी कि कॉपर टी जैसी जो डिवाइसेज होती है जो बच्चेदानी के अंदर फिट कर दी जाती हैं और ये कॉपर रिलीज करती रहती है जिससे कि प्रेगनेंसी होने को रोकती है। इसके साथ ही साथ हार्मोन वाली IUCD भी आती है जिसको कि प्रोजेस्टेरोन IUCD कहते हैं और वो 5 साल के लिए इफेक्टिव होती है, वो भी प्रेगनेंसी रोकती है। इसका अगला साधन है ऑपरेशन, यानी कि नसबंदी ऑपरेशन, जो कि एक परमानेंट प्रोसीजर है और टेम्प्रेरी मेथड में काउंट नहीं होता है। ये उन्हीं लोगों के लिए कारगर सिद्ध होता है जिनकी की फैमिली कंप्लीट हो गई है, आगे बच्चे नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि टेम्प्रेरी मेथड और परमानेंट मेथड। और एक सबसे सीधा साधन है बैरियर मेथड, यानी कि कॉन्डोम। तो कॉन्डोम, अगर आप कोई सा भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्डोम को भी यूज़ करना चाहिए। उसे एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं समझकर उसे एज ए प्रोटेक्टिव मेजर काम में लेना चाहिए। कॉन्डोम को आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचते हैं, जैसे कि HIV, HBS और एड्स जैसी बीमारियों से आपका बचाव होता है। वजाइनल डिस्चार्ज, जो बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, वो आपको नहीं होगा। और साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्शन भी मिलता है बट इसके फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, 30-40% होता है। कई बार कॉन्डम फट जाता है, कई बार निकल जाता है और कई बार उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कॉन्डम को आप एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रिलाय नहीं कर सकते, आप इसे एज ए एड ऑन मेथड काम में ले सकते हैं। यानी कि आप गोली, इंजेक्शन या प्रॉपर्टी या IUCD यूज़ करें और साथ में आप कॉन्डम भी यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका इन्फेक्शियस डिजीजेस से आप अपने आप को बचा सकें। और अगर आपके इनसे रिलेटेड और कोई सवाल है, आपको लगता है कि नहीं पूरे वीडियो में आपका जो कंसर्न था वो सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे हेल्थ काउंसलर आपको ज़रूर जवाब देंगे और आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।